जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी स्लिप के बारे में। आगामी समय में सितंबर 2023 में दिल्ली पुलिस में 7500 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि 2023 में जब आप दिल्ली पुलिस में लगोगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखो, हम कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है अर्निंग करना, रुपए कमाना। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगोगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और सैलरी से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, उतना ही ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। यह सैलरी स्लिप है सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग। हम 2023 की स्टार्टिंग से सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे, जो मैंने आगे तैयार कर रखी है बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर। देखो, दिल्ली पुलिस में ये एक ऑथेंटिक सैलरी स्लिप है। इसमें बेसिक पे होता है, DNS अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, साइकिल अलाउंस मिलता है और राशन मनी अलाउंस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा NPS कटता है, इंश्योरेंस के कटते हैं, DPWS के कटते हैं। इसके अलावा ये 75 रुपये कोई फंड है उसके कटते हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन है सैलरी से रिलेटेड। ये जो सारे सारे डिडक्शन है, चार तरीके के डिडक्शन होते हैं और इसके अलावा ये क्या है, इनको जो सैलरी मिलती है वो सारा सीन है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप अभी जो 2023 में जो भर्ती आ रही है इसमें लगते हो तो आपको सैलरी कितने मिलेगी। देखो प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पे लेवल होता है वो तीन होता है। बेसिक पे 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। बेसिक पे 21,700 रुपये है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगोगे तो आपके पहले महीने का बेसिक पे होता है 21,700 रुपये। मतलब हर हाल में कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी आपको, इससे कम सैलरी किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली। उसके बाद में हम बात करें DA के बारे में, DNS अलाउंस। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल में 38% DA दे रही है, लेकिन जब तक आपकी पोस्टिंग होंगी तब तक लगभग DA कम से कम 42% हो जाएगा। ठीक है, तब तक DA कम से कम कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट DA को साल में 2 बार बढ़ाती है। ठीक है, तो जहाँ तक संभावना है, जब तक सितंबर 2023 तक DA कम से कम 42% हो जाएगा, बाकी आपकी जो पोस्टिंग होगी तब तक तो शायद 45% प्लस DA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 42% DA मानकर कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक पे जो 21,700 रुपये, इसका यदि हम 42% निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 9,114 रुपये। तो 9,114 रुपये आपके DA के हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं HR के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। आप दिल्ली में काम करोगे तो यहाँ पर आपको 27% HRA मिलेगा। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने HRA के मामले में पूरे भारत को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 9% का स्लैब, 18% का स्लैब और 27% का स्लैब। वो कंट्री के वो स्टेट जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ पर आपको 27% HRA मिलता है। दिल्ली पुलिस में लगोगे तो आपकी जॉब लोकेशन ऑलवेज दिल्ली रहेगी, इसलिए यहाँ पर आपको 27% HRA मिलेगा। ठीक है, तो 21,700 रुपये का यदि आप 27% निकालोगे तो 5,859 रुपये, 5,859 रुपये आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,968 रुपये मिलेगा। कॉन्स्टेबल को साइकिल अलाउंस मिलता है 180 रुपये का। राशन मनी अलाउंस मिलता है 3,965 रुपये का। ठीक है, 3,965 रुपये का इनको राशन मनी अलाउंस मिलता है। इस तरीके से ग्रोस सैलरी जुड़ती है, टोटल इन सभी को जोड़कर मेरे प्यारे साथियों 45,786 रुपये। ठीक है, 45,786 रुपये इनकी ग्रोस सैलरी बनी। अब इस सैलरी में से कुछ डिडक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं NPS का। अब आप सोच रहे होंगे 3,081 रुपये NPS के नाम से फ्री के कट गए। नहीं भाई साहब, जब मैं आपको NPS के बारे में बताऊंगा तो आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि यार NPS तो जितना ज़्यादा कटे ना उतना ही गजब है। NPS का सीन क्या होता है कि आपकी जो बेसिक पे होता है और आपका जो DA होता है उसका 10% NPS कटता है। जब आपकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग करोगे जब आप, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट बनाया जाएगा और महीने के महीने आपका महीने का जो बेसिक पे रहेगा और जो DA रहेगा, ठीक है, आपका जो भी बेसिक पे और DA रहेगा, इसका 10% अमाउंट महीने के महीने आपके उस NPS अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो आपके बेसिक पे और DA का 10% अमाउंट काट कर और आपके उस NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपका कटेगा उतना ही अमाउंट
गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने 20% अमाउंट ट्रांसफर होगा, 10% तो वो जो आपको कटा और 10% वो जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिलाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सैलरी कितनी बनती है, 110% बनती है। एक यहाँ पर DPWS के नाम से 250 रुपये कटते हैं, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। इसके अलावा ये फंड में जाते हैं 75 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये इंश्योरेंस के करते हैं 30 रुपये, आपका इंश्योरेंस होता है ये भी वापस नहीं मिलते। ठीक है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड होता है कि आपके हेल्थ, आप या आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए तो बिल्कुल फ्री इलाज होना, ये सारा होता है। टैक्स के कटेंगे 200 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो ये अमाउंट होता है जो आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो एनपीएस का अमाउंट है ये विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बीच में भी निकलवा सकते हो, बाकी आपको रिटायरमेंट के साथ एक साथ जब रिटायरमेंट लेके आओगे ना तो एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 3,336 रुपये की ये टोटल डिडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में जो आपके इन हैंड अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो जब नेट सैलरी आपको, नेट सैलरी को देखकर यदि आपको मोटिवेशन मिले ना, आपके अंदर एक एनर्जी आई कि इतनी शानदार सैलरी पहले महीने की, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो प्यारे साथियों, नेट सैलरी कितनी बनेगी, ये आपकी ग्रोथ सैलरी थी, ये आपका डिडक्शन था। ग्रोथ सैलरी में से यदि हम डिडक्शन को हटा देते हैं तो 42,150 रुपये आपकी नेट सैलरी बनती है जो पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, और एनुअल सैलरी कितनी बन रही है, पूरे साल की सैलरी बनी है मेरे प्यारे साथियों 558,000 रुपये। कितना, 558,000 रुपये आपकी पूरी साल की सैलरी बनेगी। सैलरी में आपके दो तरीके से बढ़ोतरी होगी, एक तो आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। इसके अलावा जो डीए है, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा। ठीक है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में, एवरेज लगभग 4% के आसपास साल में डीए बढ़ेगा। तो हर साल आपकी सैलरी 7% बढ़ेगी कम से कम। ठीक है, इसके अलावा एचआरए भी बढ़ेगा, पहले 8, 16, 24 था, फिर 9, 18, 27 हुआ, अब थोड़े दिन बाद में 10, 20 और 30% का स्लैब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सैलरी में इंक्रीजमेंट लगेंगे। तो ये था सैलरी स्लिप के संबंध में वीडियो। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो, आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि ये जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आए, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम ऐसे ही शानदार दूसरे वीडियो के साथ।